हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ मेवात पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेवातियों की देशभक्ति के बारे में और मेवातियों की शहादत के बारे में। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। मेवात क्षेत्र का अपना बहुत गहरा और सुनहरा इतिहास रहा है, जो लगभग आज के दौर में भुलाया जा चुका है। लेकिन आज भी कुछ मेवाती इतिहास गेजेटर ऑफ अलवर और गेजेटर ऑफ गुड़गांव में लिखा हुआ है। इसके अलावा मेवात के कुछ इतिहासकारों ने, जिसमें सद्दीक अहमद मेयो साहब का नाम सबसे ऊपर आता है, इसके अलावा प्रोफेसर एजाज साहब व अन्यों ने अपनी कलम की ताकत से मेवात के इतिहास को जिंदा रखा हुआ है, जिसको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। मेवात हमेशा से ही वीर योद्धाओं की भूमि रही है और मेवात हमेशा अपने वतन पर मर मिटने को तैयार रही है, चाहे वो जंग आज़ादी हो या ब्रिटिश हुकूमत हो या कोई और विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ युद्ध लड़ना हो। मेवातियों ने हमेशा वतन के लिए न जाने कितनी ही शहादतें दी हैं। मेवातियों ने मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ पानीपत के युद्ध में भी अपना लोहा मनवाया था। इसके अलावा कानवा के मैदान में भी शहीद राजा हसन खां मेवाती के नेतृत्व में 12,000 मेवातियों ने वतन के खातिर शहादत को गले लगाया था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग आज़ादी की पहली लड़ाई में भी 10,000 से ज़्यादा मेवाती क्रांतिकारियों ने शहादत दी थी, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। मेवात क्षेत्र से उठी चिंगारी 13 महीने तक सुलगती रही, जिसके बदौलत पूरे भारतवर्ष में 1857 का गद्र मजबूत होता चला गया। इस मुहिम की शुरुआत मेवात क्षेत्र से हुई थी। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भी शाम ढलने से पहले मेवातियों के डर से दिल्ली के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए थे। मेरठ में बजा क्रांति का बुगुल मेवात पहुंचकर गदर में तब्दील हो चुका था, जिसके चलते अलवर और फिरोजपुर झिरका रियासतों में 10 मई के दिन कई मेव क्रांतिकारी शहीद हुए थे। इस बात की जानकारी गेजेटर ऑफ गुड़गांव में आज भी लिखी हुई है। मेरठ के बाद मेवातियों ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की योजना बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन चंद गद्दारों ने इसकी खबर अंग्रेज अफसरों तक पहुँचा दी थी, जिससे हजारों की संख्या में निहत्ते मेव क्रांतिकारी मारे गए थे। गेजेटर के मुताबिक मार्च 1858 को अंग्रेज़ों ने नगीना खंड के गांव घागस, कंसाली, सेल, नगीना, मांडीखेड़ा में जमकर कहर बरपाया था, जिसमें घागस कंसाली के गरीबा मेव सहित 61 लोग शहीद हुए थे। वहीं 24 मार्च को घिरी मेव सहित 283 मेव क्रांतिकारियों ने शहादत दी थी। सरल गांव के हन्नू खान सहित 14 तथा फिरोजपुर झिरका में इसराइल मेव व केवल खान समेत 14 लोगों ने शहादत दी थी। मांडीखेड़ा व नगीना कस्बे के उदय सिंह व 91 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। इससे पहले 9 नवंबर 1857 को घासेड़ा में 157 लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया था। कुछ रोज बाद 19 नवंबर को गांव रूपड़ा का में 425 मेवातियों को गोलियों से भून दिया गया था। हसनपुर में चांद खां व रहीम खां तथा सहसोला में फिरोज खान मेव समेत 12, नूह में 18, तावड़ू में 19, महुत गांव में बदरुद्दीन सहित 73 और बड़का मेव में खुशी खान सहित 12 लोगों ने अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए शहादत पाई। मेवात क्षेत्र वतन प्रस्ती के लिए हमेशा से जाना जाता है। डॉक्टर बशीर अहमद बताते हैं कि मेरठ से उठी चिंगारी का सबसे ज़्यादा असर मेवात क्षेत्र में देखने को मिला था। इसकी सबसे बड़ी वजह मेवातियों के बुलंद हौसले और दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से बार बार हुए युद्ध और लड़ाइयाँ थी। सिरौली बाईसी के चौधरी सोहराब खान ने बताया कि 10,000 से ज़्यादा शहीदों की जानकारी तो लिखित में है, इसके अलावा कई हजारों की तादाद में गुमनाम शहीद हैं। अंग्रेजों ने मेवात के 100 से ज़्यादा गांवों को आग लगाकर राख कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत से मेवाती मेवात से पलायन करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जा बसे थे, जिनमें से कुछ आज भी वहीं बसे हुए हैं।
मेवाती योद्धाओं का ये वो सुनहरा इतिहास है जो लगभग आज के दौर में धुंधला पड़ चुका है, जिसको मेवाती इतिहासकारों ने अभी तक जिंदा रखा हुआ है। मैं सलाम करता हूँ अपने मेवाती इतिहासकारों को जिन्होंने अपनी कलम की ताकत दिखाई और मेवाती इतिहास को जिंदा रखा। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने सभी शहीदों को खिराज अकीदा पेश करते हैं। आगे भी मैं और मेरी टीम अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम मेवात के इतिहास को आपके सामने लाएं। आप सभी दोस्तों से भी गुजारिश है कि वो भी हमारी मदद करें और आगे आएं। धन्यवाद दोस्तों।